आपने मार्केट में स्वीट कॉर्न देखा होगा। स्वीट कॉर्न आजकल लोगों के नाश्ते का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसकी खेती कैसे होती है और इसकी खेती से कितना फायदा हो सकता है? आज हम आपको पलवल के एक ऐसे ही किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी प्रगतिशील सोच के चलते पिछले कई सालों से खेती को मुनाफे का जरिया बनाया हुआ है। इनका नाम है बिजेंद्र दलाल, जो किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। बिजेंद्र बचपन से ही खेती में नए नए प्रयोग करने के पक्ष में रहे हैं। मैं एक प्रगतिशील किसान हूं। सन 1984 से मैं खेती कर रहा हूं। जब मैं 10वीं में पढ़ता था, मेरे पिताजी खेती किया करते थे। उन दिनों मैंने सोचा कि मैं खेती को लाभकारी बनाने के लिए हमारा जो कृषि विभाग है और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके साथ जाकर के अच्छे बीजों का चयन करूं और अच्छी खेती करूं और अच्छी पद्धति से खेती करूं, अधिक मुनाफा कमाऊं। मैं लगातार हरियाणा सरकार के जो हमारे कृषि विभाग हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में जा करके अच्छे किस्म के बीज, अच्छी किस्म की खेती की पद्धति सीख करके मैंने अधिक उत्पादन कमा करके दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है और इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है। बिजेंद्र कई सालों से परंपरागत खेती को छोड़कर संरक्षित खेती कर रहे हैं। संरक्षित खेती करने के लिए बिजेंद्र दलाल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान समेत कई संस्थानों और हरियाणा सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया है। और मुझे देवीलाल पुरस्कार सन 2005 में मिला था। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी मुझे कई पुरस्कार दिए हैं। अभी मार्च 2022 में मुझे 22 मार्च को 2023 में 22 मार्च को हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि मेले में 51,000 रुपये का पुरस्कार हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने मुझे दिया है और जिससे मुझे बड़ा लाभ हुआ है। बिजेंद्र आधुनिक तरीके से स्वीट कॉर्न की खेती करके लाखों कमा रहे हैं। उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर स्वीट कॉर्न का उत्पादन करते हैं। वे स्वीट कॉर्न की साल भर में 3 फसल लेते हैं। साल में 3 फसल लेने पर उन्हें लगभग 4.5 लाख की आमदनी होती है। 1.5 साल से स्वीट कॉर्न की खेती कर रहा हूँ। कोरिया की एक कंपनी है नोंगवू कंपनी की एक प्रजाति है मिठास का बीज हमारी राधिका जी दिल्ली में बेचती हैं और फूलों के भी बीज बेचती हैं। मैंने वहाँ से बीज ला करके मिठास जो प्रजाति है उससे लाभ कमाया है और अच्छा उत्पादन मैं ले रहा हूँ। इसमें मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। 1 एकड़ में 21-22 हज़ार पौधे लगते हैं, जिसमें आधी किलो 40% पर और 60% पर आधी किलो के 2 भुट्टा लगते हैं। मेरा मुनाफा लगभग 1.5 लाख के लगभग सारे खर्च काट करके है। बिजेंद्र अपनी वैज्ञानिक सोच के चलते खेतों की मेड़ पर फूल लगा करके भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। बिजेंद्र ने मेड़ों पर गेंदे के फूल लगाए हैं, जिससे सफेद मक्खी का प्रकोप फसलों पर नहीं पड़ता। इसके अलावा मैंने ये मैरीगोल्ड एक हमारा, ये भी नोंगवू कंपनी का है, ये भी मैंने मंगाया है। इसको मैंने बाउंड्री वाल पर लगाया है। इसको लगाने से सफेद मक्खी नहीं आती है, तो कीड़े नहीं लगते हैं। और ये मेरा बाउंड्री वाल का फूल ही खड़े खड़े 12,000 रुपये का बिक गया है। अगले वर्षों में मैं खेतों के चारों तरफ इस मैरीगोल्ड को लगाऊंगा और उससे अतिरिक्त मुनाफा कमाऊंगा। बिजेंद्र की किसानों को सलाह है कि वे भी आधुनिक तरीके से खेती करें। बिजेंद्र के अनुसार किसान फसल चक्र को अपनाएं और फसल विविधीकरण को खेती में शामिल करें, जिससे उन्हें भी खेती से अधिकतम मुनाफा हो। किसानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग छोटे छोटे एरिया में संरक्षित खेती करें, जिसमें बागवानी की फसलें उगाएं, बेबी कॉर्न उगाएं, स्वीट कॉर्न उगाएं और सब्जियों की खेती करें और एग्जोटिक जो वेजिटेबल्स हैं उनकी खेती करें, जैसे ब्रोकली है, जैसे बीन्स हैं। इस तरह की बहुत सारी फसलें हैं जिनको उगा करके फूलों की खेती कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमाया जा सकता है। ईटीवी भारत के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट।